Everyone, आज हम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वेश्चंस कवर कवर करेंगे जनरल साइंस के, जिसमें कि फिजिक्स फिजिक्स टॉपिक्स पे ज्यादा होंगे। हम को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ लोकेशन इज द आई टी आर प्रोजेक्ट बी बिल्ट कि जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है वो कहां पे बिल्ड किया जाएगा वो फ्रांस में बिल्ड किया जाएगा आई क्या है आई एक फ्यूजन रिएक्टर बनाया जा रहा है फ्यूजन एफ यू एस आई ओ एन फ्यूजन रिएक्टर बनाया जा रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन का जहां पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा एक दूसरे तरीके का जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसे फ्यूजन बोला जाता है जो एटम बम में यूज की जाती है फ्यूजन रिएक्शन होती है कि एक एटम को दो भागों में तोड़ा जाता है फ्यूजन रिएक्शन होती है कि दो एटम्स को जोड़ के एक नया एटम बनाया जाता है दो एटम्स अगर जुड़ जाते हैं तो एक नया बड़ा एटम बनता है ये फ्यूजन रिएक्शन बोला जाता है इसको परफेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाया जा रहा है ये फ्रांस में बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट में भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिफ साइंटिस्ट ऑफ ब्रिटेन हैव बिल्ट ग्रेविटी ट्रैक्टर आइडेंटी द सेम फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रेविटी ट्रैक्टर के बारे में इन्होंने पूछा है ग्रेविटी ट्रैक्टर एक स्पेस है जो एस्ट्रॉइड से धरती को बचाने का काम करेगा एस्ट्रॉयड वो बड़े उल्कापिंड पिंड होते हैं जो धरती पर गिर के धरती को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो एस्ट्रॉइड से धरती को बचाना मानवता के लिए बहुत जरूरी है ब्रिटेन का ये एक एफर्ट है उसकी तरफ ग्रेविटी ट्रैक्टर जो एस्ट्रॉइड का रास्ता बदलने की कोशिश करेगा अगर वो धरती की तरफ आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्न के बारे में है कि जो सर्न है इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी ये करेक्ट है सर्न इज फ्रेंच एक्रोनिम ऑफ द नेम ऑफ द प्रोविजनल बॉडी फाउंडेड टू इयर्स बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एक्जिस्टेंस ये भी करेक्ट है तो सर्न सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लैब है दोनों करेक्ट हैं बट रीजन ये नहीं है कि नाम इसका अलग है तो इसकी वजह से ये लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स फिजिक्स लेबोरेटरी होगा इसका कोई सेंस नहीं बनता तो दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे की नहीं है आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फंड इंडिया नेशनल इनोवेशन फंड एक अटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंट्रल गवर्मेंट के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर एक ऑटोन बॉडी बनाई गई है जिसका नाम नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है इसका काम क्या है कि जो लोकल लेवल पे या फिर जो इंडिजिनस इनोवेशन है उनको प्रमोट करना है इसका एम ये नहीं है कि जो ऑप्शन टू दिया हुआ है एन आई एफ इज एन इनिशियेटिव टू स्ट्रेंथन हाईली एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ये नहीं है हाईली एडवांस्ड नहीं है ये लोकल इंडिजिनस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश है इंडियाज प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन कोलेबोरेशन विद हाईली एडवांस फॉरन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ये इन करेक्ट है यह लोकल सोल्यूशंस को प्रोमोट करता है इंडिजिनस सोल्यूशंस को प्रमोट करता है तो ऑप्शन वन शुड बी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वट डज इट इंप्लाई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के ऊपर अलग अलग एप्स बनाई जा सकती हैं जो एप्स इस फंक्शन जो आधार की फंक्शनैलिटीज हैं उसका इस्तेमाल करेंगी तो वो जो एप्स हैं उनके बारे में क्या खास बात है इट कैन बी इंटीग्रेटेड इन टू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये करेक्ट है वो एप्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाली जा सकती हैं ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आईरस इज पॉसिबल कि ये जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है इसमें scan को भी enable किया जा सकता है तो ये ये दोनों options correct है, answer हो गया के नाम है और ये इनके फील्ड है ये ए नहीं है टी नहीं है शेवरोन एक ऑयल कंपनी है एटीएन एक इंटरनेट एंड टेलीफोन कंपनी है अमेरिका की एम डी इंटेल की तरह ही माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू चिप्स बनाती है तो ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाती है और जो एनरोन जीएमबीएच बी एच है ये विंड एनर्जी में के अंडर काम करती है तो ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी विंड टेक्नोलॉजी की कंपनी है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आकाश बहुजन समाज पार्टी पृथ्वी मिराज 2000 आकाश है सरफेस टू एयर मिसाइल है जो पृथ्वी है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है इसका रेंज लगभग टू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर है इसका सबसे ज्यादा यूटिलिटी पाकिस्तान के अगेंस्ट डेटरेंस में है पृथ्वी की आकाश हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है जो एयर डिफेंस में हेल्प करता है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशी थे और जो मिराज टू है ये फाइटर प्लेन था जो हमने फ्रांस से लिया था जो अभी रिसेंटली हमने रफेल्स लिए हैं वो भी फ्रांस से ही लिए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण गंगोत्री इज लोकेटेड इन जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो तो उत्तराखंड में है पर जो दक्षिण गंगोत्री है ये हमारा अंटार्कटिका पे जो हमारा बेस है भारत का रिसर्च बेस है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री ये अंटार्कटिका में लोकेटेड है सबसे पहला बेस हमारा अंटार्कटिका में था दक्षिण गंगोत्री दूसरा बेस था मैत्री और तीसरा लेटेस्ट बेस है भारती तो दक्षिण गंगोत्री हमारा सबसे पहला बेस था अंटार्क्टिका में उसके बाद हमने मैत्री बेस बनाया और थर्ड बेस जो अभी प्रेजेंटली है वो है भारती नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन स्टेशन सेटअप फॉर अंटार्क्टिका अंटार्क्टिक रिसर्च इज कॉल्ड इसका नाम दक्षिण गंगोत्री है जो सबसे पहला हमने सेटअप किया था द रिसेंट रिसर्च स्टेशन सेटअप इन अंटार्क्टिका इज कॉल्ड रिसेंट भारती है दक्षिण गंगोत्री सबसे पहला था फिर मैत्री और फिर भारती द नेम ऑफ द न्यू रिसर्च स्टेशन बींग सेटअप इन अंटार्कटिका बाय इंडिया इज जो सबसे लेटेस्ट है वो भारतीय है द टर्म IND का मतलब है इंडिया और ए आर सी का मतलब है आर्कटिक कि ये जो टर्म इंडिया आर्कटिक कई बार देखी जाती है न्यूज में इसका क्या मतलब है ये हमारी एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है आर्कटिक ओशन में अंटार्कटिका में नहीं आर्कटिक में मतलब के नॉर्थ हेमिस्वियर में, में नॉर्थ नॉर्वे और जो नॉर्थ पोल है है उसके बीच में में हमने ये ऑब्जर्वेटरी सेटअप की आर्कटिक रीजन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑप्शन डी करेक्ट है। बार आइसो so, का मतलब होता है similar, होता है है सिमिलर और क्या प्रेशर प्रेशर की यूनिट होती है तो प्रेशर ऑफ एयर ये हाइट मतलब हेलाइन को बोला जाता है तो हेलाइन इज नॉट स्नोफॉल इट शुड बी सेलिनिटी आइसो मतलब सिमिलर सिमिलर बैथ मतलब डेप्थ डेप्थ सो के जो कॉन्टोर्स बनेंगे सिमिलर डेप्थ के जो चार्ट बनेंगे उन्हें आईसो बैथ लाइन्स बोला जाएगा उन पे जो लाइन्स ड्रॉ की जाएंगी ऑप्शन सी इनकरेक्ट है क्योंकि आइसो हेलाइन सेलिनिटी से डील करता है स्नोफॉल से नहीं ऑप्शन सी इज द आंसर विचमन ऑफ द फॉलोइंग शोज डेंसिटी ग्रेडियंट इन द बॉडी ऑफ वॉटर डेंसिटी ग्रेडियंट बॉडी ऑफ वॉटर में कौन दिखाता है density of water को दिखाता है हेलो क्लाइन हमने अभी बात की सेलिनिटी की तो ये सेलिनिटी को दिखाता है सेलिनिटी को दिखाता है थर्मो क्लाइन ये टेम्परेचर को दिखाता है और इकोक्लाइन ये बायोडर ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक है कि किसी स्पीशीज की बायो, किसी स्पीशीज के नंबर या किसी स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन किसी एरिया में किस तरीके का है वो इकोक्लाइन दिखाता है ये एनवायरनमेंट का कंसेप्ट है और ये सब जोग्राफी के कंसेप्ट है सो so आंसर हो जाएगा सी पिकनोक्लाइन ये डेंसिटी की जो ग्रेडियंट है उसको दर्शाता है आई एम सिटीजन ऑफ मिल्की वे ये स्टेटमेंट है कल्पना चावला का अगर आप एच की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछा जा सकता है इवन यूपीपीसी में ये पूछा गया है और कल्पना चावला हरियाणा से थी तो आई एम अ सिटीजन ऑफ मिल्की वे ये स्टेटमेंट कल्पना चावला के द्वारा दी गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट वॉज स्टेब्लिश्ड इन पहला हैवी वाटर रिएक्टर पहला हैवी वाटर प्लांट लगाया गया था नांगल में नांगल पंजाब में पड़ता है हैवी वाटर होता है जो जो नॉर्मल वाटर वाटर होता 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 है वो H2O होता है water, D2O होता है ये जो D है वो हैवी ये ये हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का ही एक दूसरा रूप होता है ये न्यूट्रॉन्स को स्लो करने में हेल्प करता है न्यूट्रॉन्स को स्लो करने की क्या जरूरत है जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करते हैं तो जब कोई एटम टूटता है दो भागों में तो उसमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो बहुत फास्ट स्पीड के होते हैं इतनी फास्ट स्पीड के होते हैं कि वो किसी और एटम से टकराने से पहले ही वो एस्केप कर जाते हैं तो इन न्यूट्रॉन्स को स्लो करने की जरूरत पड़ती है अगर ये न्यूट्रॉन्स स्लो होते हैं तो ये ज्यादा एटम्स से टकराते हैं और जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है वो कंटिन्यू हो सकती है तो न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए हैवी वाटर की जरूरत पड़ती है इसका जो हमारा सबसे पहला प्लांट लगा था वो नांगल पंजाब में लगा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है इसमें एक कंसेप्ट है तीन तरीके के मैग्नेटिज्म होते हैं एक होता है फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायमैग्नेटिक तो तीन तरीके के मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं फेरोमैग्नेटिक होता है जो दोनों पोल्स के साथ चिपकता हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के साथ चिपक सकते हो उन्हें फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है जो नॉर्थ और साउथ पोल में से केवल एक के साथ चिपकते हो उन्हें पैरामैग्नेटिक बोलते बोला जाता है और जो दोनों के दोनों पोल्स को रिपेल करते हों चिपकते ना हो रिपेल करते हो उन्हें डायमैग्नेटिक बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक होते हैं जैसे आयरन कोबाल्ट निकल इस तरीके के जो एलिमेंट्स है वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं इसी वजह से वो चुंबक की तरह काम करते हैं थोड़ी देर के लिए चुंबक के साथ चिपका के रख दो वो खुद भी चुंबक जैसे हो जाते हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ऑक्सीजन पैरा ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम पर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है ओ टू जिसे O2 बोला जाता है ये डायमैग्नेटिक होता है डायमैग्नेटिक ये ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है मतलब सिंगल मैग्नेटिक क्यों होता है क्योंकि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है एक ऑक्सीजन के ऊपर और जब दो एटम्स एक साथ मिल जाते हैं तो उनके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं तो दो होने की वजह से डायमैग्नेटिक हो जाता है और ये जो मैग्नेट के पोल्स है उनको रिपेल करता है तो ऑक्सीजन जो एक सिंगल आइटम है वो पैरामैग्नेटिक होता है जो ऑक्सीजन मोलिक्यूल ओ टू होता है वो डायमैग्नेटिक होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट मैग्नेट से कौन अट्रैक्ट नहीं होगा आयरन निकल कोबाल्ट ये फेरोमैग्नेटिक है एल्यूमिनियम फेरोमैग्नेटिक नहीं है तो ये नहीं चिपकेगा एल्यूमिनियम इज नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स

हमने ये पढ़ा है मैग्नेटिज्म में कि जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है तो जो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो धरती के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है इसका मतलब धरती का जो नॉर्थ है वो धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका साउथ पोल होना चाहिए मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक साउथ इक्वल टू जोग्रोफिकल नॉर्थ जोग्रोफिकल नॉर्थ मतलब जो नॉर्थ पोल है धरती का वो धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका साउथ पोल है तो इसी वजह से साउथ पोल है धरती की मैग्नेट का तो इसी वजह से जो नॉर्मल मैग्नेट्स होते हैं उनका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेप ऑफ द टेप रिकॉर्डर कोटेड जो कैसेट्स होती थी गानों वाली कैसेट्स होती थी उन की जो टेप बनाई जाती थी वो फेरोमैग्नेटिक पाउडर से बनाई जाती थी प्लास्टिक के ऊपर फेरोमैग्नेटिक पाउडर चिपकाया जाता था वो जो फेरोमैग्नेटिक पाउडर है वो अपने आप को अलाइन करता था एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में जब उसके ऊपर रिकॉर्डिंग की जाती थी किसी गाने की वो जो अलाइनमेंट है उसको फिर जो टेप रिकॉर्डर है वो रीड करता था और उसको कन्वर्ट उसको साउंड में कन्वर्ट करके हमें गाना सुनाई देता था इसी वजह से धीरे धीरे जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम होती जाती है इसी वजह से कैसेट्स की जो क्वालिटी है वो कम होती जाती थी जितनी बार हम उसे सुनते थे तो

तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर तो ये काम करता है उस पेंडुलम का इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज में कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज इन डिजिटल डिस्प्लेस दैट इज करेक्ट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एल का यूज होता है डिस्प्ले में मोडम इज अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड टू अ फोन ये भी करेक्ट है कंप्यूटर और फोन के बीच में मोडेम का इस्तेमाल होता है मोडेम का फुल फॉर्म होता है मोड्यूलेटर डी मोड्यूलेटर मोडम डी मोड्यूलेटर मोडूलेटर डी मोड्यूलेटर क्या करता है कि जो एनालॉग सिग्नल आता है एनालॉग सिग्नल आता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है और जो डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर से जाता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो ये एक तरफ मॉड्यूलेटर एक तरफ डी का काम करता है कंप्यूटर और फोन लाइन के बीच में तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड एट कोयम्बटूर ये इनकरेक्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा में लोकेटेड है वर्जिनस सेवेंटी इज सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोग्राम्स ये भी इनकरेक्ट है ये एक येलो ड्वार्फ स्टार है येलो स्टार है ये कोई वीडियो प्रोग्राम नहीं है सो ऑप्शन वन एंड टू विल बी करेक्ट ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन द द वर्किंग ऑफ क्रिस्टल क्रिस्टल इन वॉच इज बेस्ड ऑन जो crystal, uh, में होता है वो काम करता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि अगर हम किसी मटेरियल को स्ट्रेस uh, में रखते हैं या प्रेशर उसके ऊपर डालते हैं स्ट्रेस या प्रेशर अगर उसके ऊपर डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इस इफेक्ट को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है प्रेशर या स्ट्रेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना और ये क्वार्स क्रिस्टल में देखा जाता है और इस वजह से इसको वॉचेज में यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन डिस्प्ले में तो होता ही है जैसे एलसीडी बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसके अलावा एलसीडी का इस्तेमाल रिस्ट वॉचेज में भी होता है और पॉकेट कैलकुलेटर्स में भी होता है सब तरीके के डिस्प्ले डिवाइसेज में होता है रिस्ट वॉचेज में भी डिस्प्ले होता है और पॉकेट कैलकुलेटर्स में भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट क्वेश्चन वेरेबल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर अकम्प्लेड बाय वेरिएबल डिवाइसिस वेरिएबल डिवाइसेस इनमें से कौन कौन से काम कर सकती है लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ये तो करती है इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं जहां आप जाते हैं वो डेटा आप, आपका अपडेट हो जाता है तो लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्लीप मोनिटरिंग कर सकते हैं हेल्थ बेनिफिट्स भी uh, बल डिवाइसेस आपको दे सकती है वो आपकी स्लीप मॉनिटर कर, कर सकती है आपकी मूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकती है असिस्टिंग द पर्सन को को भी असिस्ट कर सकती है एड आपके कंप्यूटर या व्यबल वॉच से कनेक्ट किया जा सकता है और वो हेल्प कर सकती है तो आंसर हो जाएगा डी वन टू थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है फॉलोइंग को कहा पे इनके सेंटर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में ही है ये करेक्ट है इन कोइस आई एन सी ओ आई एस ये इंपॉर्टेंट सेंटर है याद रखने लायक है इनक्वाज का सेंटर हैदराबाद में है ये भी करेक्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ये इतना नहीं पूछा जाता है पर क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है तो आपको ध्यान रखना चाहिए चेन्नई में है और अंटार्क्टिक स्टडी सेंटर बेंगलुरु में नहीं है अंटार्क्टिक स्टडी सेंटर है गोवा में तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग विद जो इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं और उनकी लोकेशन दी हुई है उसको मैच करना है सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज तिब्बतन स्टडीज का सेंटर वाराणसी में है वाराणसी में है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में है मुंबई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ये आ, बेंगलोर में है बेंगलोर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस ये हैदराबाद में हैदराबाद तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस इज लोकेटेड एट ये बेंगलोर में है नेचुरोपैथी और योगिक साइंसेस का जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरड हो, सकते है, ये थोड़ा outdated हो का पर, आ, फिर भी अगर question आता है, तो आपकेट लॉन्चिंग सेंटर थुम्बा होता था आप वीलर आईलैंड से करते हैं जो अब्दुल कलाम आईलैंड है वहां से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं आमतौर पर हाईटेक सिटी हैदराबाद को बोला जाता हैदराबाद साइंस सिटी कैलकटा साइंस सिटी बोला जाता है और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है क्योंकि यूपीपीएससी का क्वेश्चन है तो यह क्वेश्चन लखनऊ से पूछा गया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए uh, four, three, two, तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक दैट लूज इज जस्ट सेकेंड एवरी थ्री मिलियन ईयर 300 मिलियन सालों में केवल एक सेकंड का डिफरेंस आएगा उस क्लॉक का मेकेनिज्म किसके आधार पर है वो है स्ट्रॉनशियमशियम के जो एटम्स हैं उनके आधार पर ये क्लॉक बनाई जाती है तो एटॉमिक क्लॉक बोला जाता जाता है ये है ये एक्यूरेट क्लॉक्स होती हैं तो एटम का इसमें इस्तेमाल किया नेक्स्ट अ कार्बन माइक्रोफोन इज बेस्ट यूज इन कार्बन माइक्रोफोन एक्चुअली एक ट्रांसड्यूसर होता है ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि जो साउंड uh, है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो इसे ट्रांसड्यूसर बोला जाता है और जो माइक्रोफोन में यूज होते हैं ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं माइक्रोफोन में तो टेलीफोन में माइक यूज होते हैं तो आंसर हो जाएगा टेलीफोन ऑप्शन बी नेक्स्ट द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन वर इनशियटेड बाय प्लेनेटरी मोशन के बारे में बताया था हमें कैपलर ने लॉज ऑफ मोशन तो न्यूटन ने बताया था और लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कि प्लेनेट किस तरीके से सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं वो कैप्लर ने बताया था कैप्लर ने सिद्ध किया था कि जो प्लेनेट्स हैं सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं तो ये कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन भी बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो एमआरआई हम हॉस्पिटल्स में सुनते हैं ये बेस्ड है किस फिनोमेना पे ये बेस्ड होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के ऊपर अब इसमें न्यूक्लियर आप मिस कर सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक रेजोनेंस तो इसके नाम में ही है न्यूक्लियर इसलिए कि एम के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल का इस्तेमाल होता है इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल का इस्तेमाल होता है कि ये एक पोटेंशियल पोटेंशियली हार्मफुल डिवाइस होती है अगर अनअटेंडेड हो या फिर हॉस्पिटल अगर अबेंडन कर दिया जाता है जैसे वॉर हो जाती है या ऐसी सिचुएशन में तो एमआरआई में रेडियो एक्टिव मटीरियल का यूज होता है तो इस वजह से आपको याद रखना चाहिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का इसमें इस्तेमाल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलेक्शा इज सोलेक्शा बस दो वर्ड्स का मिक्स है सोलर प्लस रिक्शा सो सोलेक्शा इज अ सोलर रिक्शा नेक्स्ट क्वेश्चन बिब्लियोमिट्री बिब्लियोमिट्री एक टूल है जिससे हम नॉलेज के जनरेशन uh, और नॉलेज के डिसमिनेशन को मेजर करते हैं कितनी नॉलेज जनरेट हुई है और कितनी डिस्सेमिनेट हुई है तो ये एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है नेक्स्ट इज इज द डिवाइस बाय प्रोड्यूस्ड से आर्टिफिशियल क्लाइमेट प्रोड्यूस किया जाता है तो साइटोट्रॉन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वेर वॉज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एशिया इस्टेब्लिश फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एशिया इस्टेब्लिश किया गया था रुड़की में ये जो गंगा कैनाल के पास में गंगा कैनाल के पास में स्टैब्लिश किया गया था इसकी मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस के लिए और इसका शुरुआती नाम थॉमसन कॉलेज था अब इसे आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है आईआईटी रुड़की के नाम से और लगभग अठारह या अट्ठावन में इसको स्टेब्लिश किया गया था और यह मेरा अल्बामेटर है नेक्स्ट क्वेश्चन वेन द मेट्रिक सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया मेट्रिक सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था करेंसी में जो हम अब यूज़ करते हैं वन टू टेन फिफ्टी हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड जो नोट uh, यूज़ करते हैं हम वो नाइनटीन फिफ्टी सेवन में इस्टबलिश किया गया था मेट्रिक सिस्टम भारत में उससे पहले आठ आना चार आना ये वाला सिस्टम था उसके बाद हमने मेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया तो एक चार उन्नीस से हम मेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद जब यह इंट्रोड्यूस किया गया था मेट्रिक सिस्टम उसको नया रुपया नया रुपया रुपया बोला गया था नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन द फॉर टेक्योन एक हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी पार्टिकल है जो थ्योरी में एग्जिस्ट करता है रियलिटी में हमें नहीं पता वो सच है कि नहीं ये बस एक हाइपोथेसिस है ये एक आ, कल्पना है टेक्योन एक कल्प काल्पनिक पार्टिकल है जिसका हम मानते हैं कि जिसकी स्पीड हो सकता है कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो अब तक हमें लगता है कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम स्पीड है जो किसी मटेरियल uh, की हो सकती है इस यूनिवर्स में पर टेक हम मान रहे हैं कि कोई ऐसा पार्टिकल भी एग्जिस्ट कर सकता है जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज चलता हो तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना ऑप्शन ए नाइनटी क्वेश्चन

तो राजा रमन्ना डायरेक्टेड द टीम ऑफ साइंटिस्ट विच कैरिड आउट द टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर डिवाइस ये करेक्ट है उन्हें पद्म विभूषण मिला था उन्नीस में ये भी करेक्ट है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस इन 1990 थे वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस भी रहे हैं और उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम उन्होंने लिखा है तो वो एक अकम्पलिश म्यूजिशियन भी थे द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा इन वेस्टर्न सिस्टम सो इसका आंसर हो जाएगा वन टू थ्री फोर ऑप्शन ए राजा रमन्ना वाटर जेट टेक्नोलॉजी फाइंड्स एप्लीकेशन इन वाटर जेट क्या होता है कि एक बहुत तेज पानी की एक धार निकाली जाती है उस पानी में थोड़े से अब्रेसिव पार्टिकल्स जैसे सैंड को मिक्स कर दिया जाता है इस पानी के साथ जब वो सैंड किसी सतह से टकराती है तो वहां पे उस सतह के पार्टिकल्स को वो कुरेदना शुरू कर देती है वहां से हटाना शुरू कर देती है और यही वाटर जेट टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल ड्रिलिंग में होता है अगर आप किसी चीज को ड्रिल करने चाहते हैं तो इन ऑप्शन में सबसे बेस्ट है ड्रिलिंग ऑफ माइंस तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वेन एन इंफॉर्मेशन इज डायल्ड ऑन द फोन एंड द एंड रीड ऑन टेलीविजन स्क्रीन इट इज नोन एज ये फैक्स बोलते हैं इसे टेलीफैक्स भी बोला जाता है कि टेलीफोन से हम कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट फैक्स कर सकते हैं एक तरफ से हम टेलीफोन वायर से उसे भेजते हैं और दूसरी तरफ डिस्प्ले में वो आ जाता है तो इसे टेलीफैक्स बोला जाता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड वाई टू के ऑर्थराइटस नॉइज पॉल्यूशन एंड अडोट वाई टू के तो एक कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम थी जब जो ईयर है वो टू थाउजेंड वाई टू के का मतलब ही ईयर टू थाउजेंड था और जब वो ईयर क्रॉस हुआ था तो कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आने के चांसेस थे तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है ये करेक्टली मैच है ऑर्थराइटस यूरिक एसिड एसिड यूरिक एसिडराइटस में यूरिक एसिड बनता है और इसी की वजह से बोन्स के बीच में ज्यादा पेन होता है यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऑर्थराइटस में पेन देते हैं नॉइस पॉल्यूशन इज रिलेटेड टू डेसिबल हाई डेसिबल जो नॉइसेज होती हैं उसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है यूरिक एसिड की वजह से ऑर्थराइटस होता है एडोब हार्डवेयर ये इन करेक्ट है एडोब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है सॉफ्टवेयर कंपनी है यह हार्डवेयर नहीं है तो ऑप्शन स्टेटमेंट इज ट्रू जॉन होपकिन वॉज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी जी नहीं जॉन होपकिंग जॉन होपकिंग फाउंडर नहीं थे होम्योपैथी के आइजेक न्यूटन हेड प्रोपाउंडेड दूशन जी नहीं ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी ये थ्योरी कार्बन मोनोक्साइड क्रिएट्स मोर एयर पोल्यूशन कार्बन मोनॉक्साइड से एयर होता है है वास्को वास्को डिस्कवर्ड अमेरिका ये इनकरेक्ट ने भारत का रास्ता खोजा था यूरोप से अमेरिका की डिस्कवरी कोलम्बस ने की थी तो आंसर हो जाएगा सी ऑटो हैन डिस्कवर्ड एटम बम बाय द प्रिंसिपल ऑफ कि कौन सा प्रिंसिपल यूज किया था ऑटो हैन ने जिन्होंने एटम बम uh, का प्रिंसिपल ढूंढा था ऑटोहेन का ये जो एटम बम का प्रिंसिपल होता है वो होता है न्यूक्लियर फिजन दो तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन होती है या तो एटम को आप ब्रेक कर सकते हैं उसे बोला जाता है फिजन एक एटम को दो भागों में तोड़ दिया या फिर दो एटम्स को आप जोड़ के एक बड़ा एटम बना सकते हैं इसको बोलते हैं फ्यूजन ये ये जो टेक्नोलॉजी है दो एटम्स को मिला के एक बड़ा एटम बनाने की ये हमने अभी परफेक्ट नहीं की है जो हमने आई पढ़ा था क्वेश्चन में इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो फ्रांस में स्टैब्लिश किया गया है जिसका इंडिया मेंबर है वहां पर हम इस फ्यूजन टेक्नोलॉजी को मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन एटम बॉम्ब के केस में न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल होता है ट वॉज द फिशनेबल मटीरियल यूज इन द बॉम ड्रॉप डेट नागा इन ईयर नाइनटीन फोर्टी फाइव दो बॉम्ब गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर गिराया गया था जो बॉम्ब उस, उसके अंदर यूज किया गया था प्लूटोनियम और हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था उसके अंदर यूज किया गया था यूरेनियम सो नागाकी एंडशिमा सो आंसर विल बी प्लूटोनियम इन केस ऑफ नागासाकी एंड यूरेनियम इन केस ऑफ हिरो ये दूनिक फीचर सब का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे सो यू कैन स्किप इट विच कंट्री हैजेस्ट लॉन्च फर्स्ट थ्री डी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कि टेलीविजन पे भी आप 3D डी देख सकते हैं ये पहली बार कहां हुआ है ये अमेरिका में हुआ है अमेरिका में आपको जो इसके लिए आपको स्पेशल गॉगल्स पहनने पड़ते हैं स्पेशल चश्मे पहनने पड़ते हैं जिससे आप टीवी देखते हैं तो आपको थ्री पिक्चर्स दिखाई देती हैं पर अगर आप वो गॉगल्स नहीं लगाते हैं तो आपको सब कुछ ब्लरी ब्लरी दिखाई देगा तो ये अमेरिका में ये सबसे पहली बार एक टीवी ब्रॉडकास्ट किया गया जिसमें थ्री पिक्चर्स का यूज किया गया है वन जीरो नाइन एज ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स ओलेड ओलेट डिस्प्ले हमें सुनने में आता है ओलेड डिस्प्ले ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेरी डिवाइस वर द एडवाटेज ऑफ ओलेट डिस्प्लेज और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज की पहले एल सी डी आया था एल सी डी के ऊपर इम्प्रूवमेंट की गई थी ओ एलई डी की एल सी डी था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ओलेट था ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स इनकी खास बात क्या है ओलेट की ओलेट डिस्प्लेज कैन बी फेब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सीबल प्लास्टिक जो एलसीडी डिस्प्ले होता है उनको आप फ्लेक्सिबली uh, यूज नहीं कर सकते उनको मोड़ तोड़ नहीं सकते हैं वो क्रैक हो जाएगा ओलेड क्रैक नहीं होता ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं रोल अप डिस्प्लेज कि जो जिस डिस्प्ले पे ओलेड को यूज करते हैं आप उसको पेपर की तरह रोल भी कर सकते हैं जिससे डिस्प्ले क्रैक नहीं होगा तो ये भी करेक्ट है रोल अप डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड

जिसमें बार बार पानी या कूलेंट डाला जाता है वो रेडिएटर होता है पॉलीग्राफ होता है झूठ बोलने का जो टेस्ट लिया जाता है जिससे पता चलता है कि कोई पार्टिसिपेंट झूठ बोल रहा है या नहीं उसे पॉलीग्राफ बोलते हैं टर्बाइन इंजन का एक प्रकार होता है टर्बाइन इंजन तो आंसर होगा रेडिएटर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन मोबाइल एंड ऑटोमोबाइल्स हैव ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस स्पेशली इन रूरल एरिया इन टर्म्स ऑफ कि मोबाइल्स और ऑटोमोबाइल्स की वजह से आम जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है मोबाइल्स और ऑटोमोबाइल्स मोबाइल्स की वजह से क्या आया है कनेक्टिविटी आई है कनेक्टिविटी आई है और जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी वजह से मोबिलिटी आई है तो मोबिलिटी और कनेक्टिविटी इज करेक्ट सेंसिटिविटी मोबाइल या ऑटोमोबाइल से नहीं आती है सेंसिटिव वैल्यू या नैतिक शिक्षा से आती है सेंसिटिविटी या फिर डाइवर्सिटी से आती है तो ऑप्शन वन एंड टू शुड बी करेक्ट आंसर है ए तो ये कवर करता है हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आपको इस सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर आपको लगता है कि हमें करनी चाहिए तो वो इंप्रूवमेंट्स के बारे में भी बताइए और आप आपको अगर सीरीज पसंद है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है